हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वीट लिटल गार्डन। ये देखिए, ये जो प्लांट है ये लेपर्ड लिली का प्लांट है और लेटबोरिया सोशलिस ये इसका साइंटिफिक नेम है। तो देखिए, ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखता है इस तरीके से, ये देखिए। और इसमें फ्लावरिंग भी होती है। एक्चुअली ये एक लिली प्लांट है, लिली फैमिली से ये बिलोंग करता है, लेकिन दिखता एकदम सकुलेंट की तरह है, बिल्कुल सकुलेंट की तरह दिखता है, लेकिन ये प्लांट लिली फैमिली से बिलोंग करता है। क्यों, तो चलिए जानते हैं। ये जो प्लांट है देखिए, बल्ब से ग्रो होता है, इसके जैसे बल्ब होते हैं देखिए इस तरीके से। और ये जो प्लांट है ये सीड से भी ग्रो किया जाता है, पर सीड से बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है लाइक एज अदर सकुलेंट, पर ये बल्ब से बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। तो देखिए, इसके पत्ते जो है, इसकी पत्तों के ऊपर जैसे लेपर्ड के ऊपर पैचेस होते हैं, उसी तरह से इसके ऊपर भी पैचेस होते हैं। ये ऊपर से जो है वाइटिश और ग्रीनिश डॉट होते हैं, और नीचे से जो है वो नीचे देखिए इसके, ये पर्पलिश कलर के होते हैं, और ऊपर से ऐसे इसकी पैचेस होते हैं। तो इसके फ्लावर्स देखते हैं, ये देखिए, मैं आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूँगी। ये देखिए, आई थिंक फोकस नहीं हो रहा। ये देखिए, छोटे छोटे से बेल शेप फ्लावर होते हैं, ग्रीनिश और पिंकिश का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। ये ग्रीन फ्लावर रहते हैं उसके, और उसके ऊपर पिंकिश और वायलेट कलर के स्ट्रिप्स होते हैं, तो ये बहुत ही क्यूट लगते हैं। ये देखिए, आई थिंक अब दिख रहे हैं। तो इस तरह से ये जो प्लांट है ये एक सकुलेंट की तरह ही लगता है, और इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी बिल्कुल सकुलेंट की तरह है। जैसे कि पॉट जो है, इसको कम से कम 6 इंच से 9 इंच तक आप दे सकते हैं। आपका प्लांट जैसा है वैसा ही आप उसे पॉट दीजिए। प्लांट छोटा है तो पॉट छोटा दीजिए, प्लांट अगर ज़्यादा ऐसा बुशी है तो आप उसे इस तरह से डायमीटर जिसका ज़्यादा है वो पॉट आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। मिट्टी जो है बहुत ही वेल ड्रेन चाहिए, नियरली 40% सॉइल, 40% जो है सैंड, 40-50% सैंड, और थोड़ा सा कंपोस्ट आप उसमें मिला दीजिएगा। और ये जो प्लांट है ये लो मेंटेनेंस प्लांट है, लो सनलाइट प्लांट है, और लो वाटर भी प्लांट है, मतलब इस प्लांट को पानी ज़्यादा पसंद नहीं। अगर आप इसको ज़्यादा पानी देते हैं तो ये जल्दी ही रूट रॉट हो सकता है, क्योंकि इसके बल्ब रहते हैं, और वो बल्ब भी इस तरह से ऊपर ऊपर की साइड में, ये देखिए, ये पूरा बल्बस प्लांट है इस तरीके से। और ये बहुत जल्दी पानी, ज़्यादा पानी की वजह से ये ख़राब हो जाता है। अगर इसको आप पानी कम भी देंगे, या फिर 8-15 दिन अगर आप इसको भूल जाए पानी देने का, या फिर आप किस कहीं टूर पे हैं तो भी ये प्लांट सर्वाइव कर जाता है। अगर पानी की वजह से इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी ख़राब सी होती है, लेकिन इसका बल्ब जो है वो सर्वाइव कर जाता है। अगर एक भी बल्ब इसका आप लगाएंगे तो एक साल में ये इस तरह से बहुत ही बुशी बनता है ये प्लांट। और इसे ब्राइट लाइट ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए आप इसको ज़्यादा सन में भी मत रखिएगा, किसी भी ब्राइट लाइट एरिया में रखिएगा। बरसात के सीज़न में इसको ज़्यादा पानी से बरसात के बचाइएगा, ऐसी जगह पे रखिएगा जहाँ पे बरसात का पानी ज़्यादा ना आए। और इस तरह से ये जो प्लांट है वो अफ्रीका का नेटिव है, और एक बल्बस प्लांट है, बल्ब से ईजिली ग्रो हो जाता है, और इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी ही एक सकुलेंट की तरह ही होती है। अगर तो चलिए दोस्तों, बहुत दिनों से मैंने आपको अपने गजानियाँ नहीं दिखाए, तो आज हम मेरे जितने भी खिले हुए गजानियाँ हैं वो दिखाती हूँ। जब भी मैं सुबह आती हूँ तो ये फ्लावर्स खिले नहीं रहते हैं। ये देखिए कितना बड़ा फ्लावर है, ये मैंने सीड से ग्रो किया है। ये देखिए, ये भी बहुत ही बड़ा है, ये देखिए अब ये फेड होने को है। ये देखिए मेरा गजानिया का कलेक्शन। सिर्फ कुछ ही प्लांट में जो है ब्लूमिंग आज नहीं है, पर हर रोज़ इसमें ब्लूमिंग एक ना एक प्लांट पर हो ही जाती है। तो
तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।